వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం 2022-23 బడ్జెట్ రూపకల్పనలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న బడ్జెట్ ముందస్తు చర్చల్లో ప్రధాని మోడీ శుక్రవారం అగ్రశ్రేణి పెట్టుబడిదారులతో భేటీ అయ్యారు. काशी के सांसद के नाते मेरी काशी में मैं आप सबका ऐसा दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक स्थान और दूसरी ओर आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रूपरेखा. अभी हाल में जब मैं काशी में था तब मैंने कहा भी था कि काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोडमैप बन सकता है. हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहरी ही है, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं. आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है. हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तबारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं. उनके ऐतिहासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेरणा बना सकते हैं. हमारी विरासत को सहेजने की, संवारने की नए नए तौर तरीकों हम विकसित कर सकते हैं. हम सीख सकते हैं लोकल कला कौशल को, उसको आगे बढ़ाने के तरीकों को, कैसे लोकल स्किल और प्रोडक्ट्स शहर की पहचान बन सकते हैं. इस अनुभव को साथियों, आप लोग जब बनारस घूमेंगे, और आप में से बहुत लोग आए हैं जो पहले कभी न कभी तो आए ही होंगे, तो पुरानी स्मृतियों के साथ नए बदलाव को आप जरूर तुलनात्मक रूप से देखेंगे. और साथ साथ आपके दिमाग में अपना शहर भी सवार हो जाएगा और आप हर पल देखेंगे कि मैं जिस शहर से हूं वहां की गली और काशी की ये गली, मैं जिस शहर में हूं वहां की नदी और यहां की नदी, हर चीज आप एक पल 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 तुलनात्मक अभ्यास करेंगे. और आपके साथ जो और मेयर होंगे उनके साथ भी आप चर्चा करेंगे, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है. हम सबको चर्चा करते 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 नए विचार मिलेंगे, नई कल्पनाएं मिलेंगी, नए कार्यक्रमों की रचना तैयार होगी. और वो अपने शहर में जाकर के जब आपका नेतृत्व उस काम को करेगा तो आपके शहर के लोगों को, आपके राज्य के लोगों को एक नई खुशी मिलेगी, नया विश्वास मिलेगा. और हमें कोशिश करनी चाहिए, हम इवोल्यूशन में विश्वास करें. रिवॉल्यूशन की आज भारत को जरूरत नहीं है, हमें कायाकल्प की जरूरत है. पुराना सब तोड़ना, फोड़ना, खत्म करना, ये हमारा रास्ता नहीं है. రైతు బంధు పథకం యథావిధిగా కొనసాగుతుందని సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. దళిత బంధుపై విపక్షాలు అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తున్నాయని, వాటి దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని పార్టీ నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ పథకాన్ని దశల వారీగా రాష్ట్రమంతా అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు. కష్టపడి పనిచేయాలని, నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండాలని ఎమ్మెల్యేలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
భారతీయ ఔషధ సంస్థ ఆస్ట్రాజెనికాకు చెందిన ఎవిషీల్డ్ అనే యాంటీబాడీ మిశ్రమ ఔషధం కరోనా వైరస్ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ నుంచి రక్షణ కల్పిస్తున్నట్లు అమెరికా ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ వెల్లడించింది.